लाइफ कोचिंग एक नई लर्निंग थीम है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से अब इंडिया में बहुत तेज़ी से अंदर आ रही है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये पिछले दशक में बहुत तेज़ी से उभरी है क्योंकि वहाँ विघटित होते समाज बहुत तेज़ी से बढ़ती विकास की दर और रफ्तार पकड़ती ज़िंदगी के कारण वहाँ पर बहुत आवश्यकता लोगों को पड़ी कि वो अपनी अपने जीवन में बढ़ती हुई उलझनों को, अपने तनाव और अपने इनहिबिशंस को निकालने के लिए कुछ ऐसे कोचेस का सहारा लें जो उन्हें उनका हाथ थाम कर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकें या उनकी स्ट्रेंथ्स पर काम करने के लिए उनको बढ़ावा दे सकें ताकि वो आगे चल के बेहतर काम कर सकें। आमतौर पर हमने इवन इंडिया में भी कोचिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है पिछले एक आध साल में। उसका एक मेन मुख्य कारण ये रहा है कि हम लोग आमतौर पर दो तरह की लर्निंग थीम्स पर काम करते हैं। पहली लर्निंग थीम हमारी कंसेप्चुअल होती है जिसमें हम स्कूल, कॉलेज, किताबें अथवा किसी भी कंसेप्चुअल बेस की पढ़ाई के ऊपर हम लर्न करने का प्रयास करते हैं। दूसरी हमारी मेथड ऑफ लर्निंग होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसमें हम अनुभवों के सहारे अपने को और विकसित करने का प्रयास करते हैं। और तीसरे लेवल ऑफ लर्निंग जब कंसेप्चुअल लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे विकास में बाधक बनने लगती है या हमें लगता है कि हमें उससे कहीं ज़्यादा किसी और चीज़ की आवश्यकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए या हमें अपने जीवन में एक नया इन्वेस्टमेंट फिर से करना है नॉलेज के क्षेत्र में, तब हमारी कॉग्निटिव लर्निंग या लाइफ कोचिंग हमारे काम में आती है। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है और उस पर नियंत्रण रख के जितना तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता है उतने तेज़ी से प्रयास कर पाता है। ह्यूमन बीइंग्स को एक अपने अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस का के होने का ज्ञान धीरे धीरे कोचिंग के सहारे होता है जिसमें लोग अपने अंदर बढ़ते हुए तनाव या अपनी नकारात्मकता या अपनी 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 प्रेरणा या अपनी ताकत या अपनी कमजोरियों को समझने का लोग अपना प्रयास करते हैं ताकि उनके ऊपर वो एक नया भविष्य गढ़ सकें। लाइफ कोचिंग बहुत व्यक्तिगत होती है। कोचिंग एसेंशियली या लगभग समझे निश्चित रूप से वन ऑन वन होती है ताकि व्यक्तिगत अटेंशन हम अपने क्लाइंट्स को दे पाते हैं, जो कि एक क्लासरूम में या एक कंसल्टिंग असाइनमेंट में या एक ट्रेनिंग असाइनमेंट में संभव नहीं हो पाता है। जहां व्यक्ति अपने खुल के अपने मन की बात कहता है, अपने सारे डर निकालता है, अपनी अपनी सारी पीड़ा कहने का प्रयास करता है और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करता है कि ऐसी कौन सी नकारात्मक प्रोसेसेस या ऊर्जाएं हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। एक बार उसका ज्ञान हो जाने के बाद उस व्यक्ति को इस बात का पर्याप्त अंदाज़ा होता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं या ऐसी कौन सी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनके ऊपर वो विजय प्राप्त करके आगे सफलता